हाय गाइस, कैसे सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज एनिमे हम लोग देखने जा रहे हैं, कुंग फू पांडा 4। भाई मजा आने वाला है, ये हिंदी वर्जन होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। भाई ओह, ये क्या हो रहा है? ओह भाई, ये क्या चल रहा है भाई? ओह, काम चल रहा है काम, यहाँ पे काम चल रहा है। अपना पांडा कहाँ है भाई? कोयले की खदान वही है ना, वही तो लग रही है मुझे। हाँ, ओ भाई अब क्या होगा भाई? भाई 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 भाई, ये अचानक लाइट नहीं बंद हुई है, ये अचानक लाइट नहीं बंद हुई है भाई, कोई बुझाया है। ओ वो है, ये रहा भाई अपना विलन। सब भाग रहे हैं भाई ये विलन से। हाँ, ये बड़ा तगड़ा नहीं विलन जाना, यार। मैं हूं डायलॉग नामुमकिन। वापस आ गया वो भाई, देने जो वापस आ मांगा गया है और वो भी जो कि तुम क्या? सबका है। अच्छा भाई, ओ भाई, एक हाथ से मारा भाई, दो हाथ पकड़ के ऐसे फेंक ऊंचे दिया भाई, बहुत पहाड़ दूर से फेंका लेकर नीचे खाटी में भाई, उतरे आग लोगों लगा को दिया। बता दो कि डायलॉग जिंदा है और कोई भी उसे नहीं रोक नहीं सकता, यहां तक कि महान सकता। ड्रैगन योद्धा भी नहीं। अच्छा, ओ भाई इतना ताकतवर हो गया है। ओ उसे तो ये रहा पहाड़ों में भाई। कहां जाना चाहिए था। बिंग, प्लीज जरा चिल कर सकते हो? मैं चिल ही हूँ। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक होगा। अगर बीमार पड़ गया हो तो, उसे चोट लग गई हो तो, या भूखा हुआ तो। अपने दिमाग के नूडल्स जरा कम कर लो। जहाँ तक मैं अपने बेटे को जानता हूँ, वो आराम से लेटे हुए सपनों में खो गया होगा। सपने में खो गया होगा भाई। कौन सा सपना भाई? ये सपना। ओ भाई बच गया भाई, बच गया। ओ सबक सिखाना पड़ेगा भाई। ओ बच गया। ओ भाई 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 भाई, भाई। ओ भाई, एक लकड़ी पे खड़ा हुआ है भाई, बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा? ए भाई गया, मुक्का मारेगा सीधा लगता है, मुक्का मारेगा भाई। ओ भाई मजा आ गया। पकड़ा पकड़ी का खेल बंद कर दे। ओ भाई भाई, इसको तो कारपेट वाला, उड़ने वाला कारपेट बना लिया भाई, मस्त सीन है यार, बढ़िया लगा, मजा आ गया। भाई इसका बच्चा, तीन बच्चे भाई, तीन बच्चे मुंह में थे इसके। और अगली बार अपने पंख से यहाँ डंक न मारना। मजा आ गया भाई, ये फैट देख के मजा आ गया। देर हो गई, देर हो गई, बहुत देर हो गई। देर होगी भाई, भाई कैसे भाग रहा है? पहले से खा हूँ और खाता रहूंगा। सीक्रेट हो ड्रैगन योद्धा। और तुम भी ड्रैगन कुछ कर देगा योद्धा। मेरे छोटे फैंस, तू भी पर ऑटोग्राफ। हाँ, जहाँ बोलोगे वहाँ ऑटोग्राफ मिलेगा। ऑटोग्राफ? ओ भाई ऑटोग्राफ कहाँ दे रहे हैं भाई, टी शर्ट पे? मास्टर ओ, सीक्रेट उसके माथे पे दे दिया क्या बोला है भाई, मुझे? मास्टर के ऊपर ये दे दिया बोला भाई। है तुमने वाला काम? हमें बात करनी है। आएंगे भाई ना, अभी करते हैं, मतलब इस प्रोग्राम के बाद। थूक लगा के मिटा रहा था भाई, और लग गया राज दाग। सूझबूझ की छड़ी का, जो मुझे खुद दिया था मास्टर ऊ ने अच्छा अपने हाथों से। कहते हैं कि जिस किसी के पास ये छड़ी ओ, होगी, वो अलग अलग दुनिया के बीच आ जा सकेगा। ये रूह की दुनिया को अच्छा, खोलने की चाबी है, और अब इससे रूह की खुलने दुनिया वाला को है खोलने की चाबी है एक भाई। नया ड्रैगन योद्धा। नूडल्स और टोफू उठाओ। भाई धाबा खोल रहा है भाई, जैसे दिया था। आते ही बोलोगे अंग अंग ओ भाई। भड़का। भाई बदकिस्मती से नहीं, वो सुपर कूल कुंग फू मिशंस पर गए हैं। टाइगर्स पर चिकन गैंग से मुकाबला मिशन करने पे वाले गए हैं। भाई। उनकी लापता अफ्रीकन लंगूर का पता लगा ओ है। भाई क्रेन को मगरमच्छ कबीले का राजा बना दिया है। लंबी कहानी है। वाइपर, कोबरा और मुंगूस के बीच मानव की निगरानी में लगी है। वो मंगीज तो नहीं है?
खैर और मैंटिस वो तो बस इसी कोशिश में लगा है कि उसकी दुल्हन उसका सर ना चबा जाए। भाई उनको दिया नहीं है तो क्या हुआ? इधर कार्टून ना, कार्टून था ना, जिसे तस्वीर बनवानी है लकड़ी वाला। ठीक है एक एक करके आओ। अच्छा तुम भाई, भाई तस्वीर, भाई फोटो खींचना अच्छा, ये तस्वीर वाला जमाना है भाई, फोटो तो खींच नहीं सकते, मोबाइल तो है ही नहीं, तस्वीर बना रहा है एक बंदा भाई, खतरनाक। ओ ये तो मास्टर है मास्टर को उठा लिया भाई। अबे बात करनी होगी। कौन सी बात भाई, कौन सी बात कब करने जाते हैं भाई, कौन सी इम्पोर्टेंट बात है कैसे भूल सकता हूँ भाई, बहुत मेहनत से चढ़ा था। ऊपर पहुंच जाऊंगा और फिर से पक्का गया है अपने सफर की अगली सीढ़ी पर चढ़ने का। अगली सीढ़ी? ये आप क्या बोल रहे हैं, मैंने सारी सीढ़ियां तो चढ़ ली है, नहीं चढ़ी क्या? अब है कि तुम अपना वारिस चुनो। वारिस चुनो किसका? ओ वारिस चुनो, योद्धा बनने वाला है, अगला ड्रैगन योद्धा बने। अच्छा अभी अभी तो मैं ड्रैगन योद्धा बना था भाई, वो ड्रैगन योद्धा बनना चाहता है बस। नहीं रहूंगा। सही कहा। ओ भाई ड्रैगन योद्धा नहीं बन सकता बन। अच्छा वारिस चुनना है ना, तो उसके बाद ये ड्रैगन योद्धा तो बनेगा ही नहीं। अच्छा भाई मतलब तक नहीं जानता, वही जो पहले तुम घाटी पर नजर रखोगे। अच्छा समझ दूसरों के साथ जिन्होंने छड़े दिए है भाई। देखिए प्रमोशन के लिए थैंक्स, पर अभी मेरे लिए ये ड्रैगन योद्धा वाला पंगा ही सही रहेगा। ड्रैगन योद्धा वाला पंगा तुम्हारे हाथ में क्या है? ये गोकी दूसरे हाथ में तुम्हें ये छड़ी मास्टर छड़ी ये कि तुम इससे ओ भाई या तस्वीरें बनाओ। उन्होंने कुछ बताया नहीं मैंने तुम्हें ये छड़ी इसलिए भाई ताकि तुम उनके नक्शे कदम पर चलो और आज जो हो उससे कुछ अच्छा तो आप ही रख लो। ओ भाई ओगवे ने ये मुझे नहीं दी थी, अगला ओगवे बनना मेरी तकदीर में नहीं लिखा है, जो अब मैं कबूल कर चुका हूँ। ओगवे सच में मैं खुश हूँ। खुश लगते तो नहीं तुम? खुश नहीं लगते, मैं बहुत लगते हैं। सम्मान की बात है, अपने वारिस की तरह चुना और अब तुम्हें अपना वारिस चुनना है। मास्टर शिफू अब कहीं जाकर मैं वो बना था जिसमें मैं अच्छा, और अब आप मुझसे वो छीनने की बात कर रहे हैं। कोई तुमसे कुछ नहीं छीन रहा भाई, वो बनना नहीं चाहता भाई। वही रहोगे आगे चाहे जो भी बने। हाँ पर फिर खेल खत्म का क्या, आप मतलब समझ रहे हैं ना? वो कल मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, पर ये समझ बांटने और प्रेरणा देने के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे तो बस दो चीजें पता है, धुलाई करना और दुश्मनों के नाम लेना। वैसे अंदर की बात बताओ तो मुझे किसी के नाम भी याद नहीं रहते, जैसे उस आग उगलने वाले बच्चे का नाम क्या था? हाँ शायद स्टीव। तुम्हें घाटी में शांति लाने के लिए चुना गया था और घाटी में शांति लाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, ये बुक का प्लान। पर मजा तो उसी में है पर मजा तो उसी में है भाई लात मुक्के में। शांति की घाटी को आध्यात्मिक गुरु चाहिए और मास्टर ओगवे ने तुम्हें चुना है, तुम नए दावेदारों का इंटरव्यू करोगे कल सुबह। ओ भाई इंटरव्यू पांडा वो भी करेगा, कौन से दावे चुनेगा किसको भाई? ओ भाई ओ ओ ओ ओ भाई ये बेस्ट था भाई। अच्छा अभी चुनना है ना, किसको चुनेंगे भाई? ये दूसरा बंदा ही है। चल ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये तीसरा है। ओ भाई ये बहुत तगड़ा है, तीसरा है, अब चौथा है, बस ये पॉइंट बनाता है। ओ भाई ये कौन है? ओ भाई स्ट्रॉन्ग है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब चुनेगा भाई ड्रैगन योद्धा, किसे चुनेगा, किसे चुनेगा भाई, देखना लायक है किसे चुनेगा। इतने सारे बढ़िया दावेदार, एक दो तीन चार पांच है भाई, किसी को नहीं चुनेगा लगता है, नहीं चुनेगा लगता है भाई भाई ये चिल्लाते रहेगा क्या? ना लगे तुम्हें अपना वारिस चुनना ही होगा। इनमें ना तो कुछ ड्रैगन जैसा है और ना योद्धा जैसा। जब होना होगा हो जाए, पर कब होगा ये कब पता होगा? आपको कुछ पता? जब मैं उलझन में होता हूँ तब यहाँ आकर ब्रह्मांड से जवाब मांगता। ब्रह्मांड से जवाब मांगता है भाई, यहाँ पे आके पेड़ के नीचे से बैठ के।
मैं उलझन में नहीं हूँ, मैं बस अगले कदम के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारे हाथ में क्या है? सूझबूझ की छड़ी। सूझबूझ की छड़ी, जब आया हुआ आड़ू का बीज। हर बीज एक बड़े पेड़ का सपना संजोए। ठीक है, पर इससे मुझे मेरा जवाब कैसे मिलेगा? पूछो, ब्रह्मांड से पूछो। ब्रह्मांड से पूछो भाई। बीज बनो, बीज बनो, बीज। अब भाई ध्यान देगा। ठीक है ब्रह्मांड, मुझे प्लीज अब रास्ता दिखा। भाई अंदरूनी शांति, अंदरूनी शांति। खाने की घंटी। भाई काजू पिस्ता कुल्फी, अंदरूनी शक्ति, अंदरूनी शांति। तो पेट में और अशांति मच रही है भाई। बेस्ट है। सांसों पर ध्यान क्यों नहीं देते? उसी कोशिश में हूँ, पर तुम बात करते रहोगे तो कैसे ध्यान लगाऊंगा? देखा जाए तो भाई खुद से बात कर रहे हो, बात में दम है ना। ओ तुम बैठोगे। अब ये कौन? ध्यान लगा रहा हूँ। रुको, अगर मैं पो की अंदरूनी आवाज हूँ तो तुम कौन? अच्छा, अंदरूनी आवाज है। ओ भाई दो दो अंदरूनी आवाज है भरी। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, भाई आठ, नौ, दस, ग्यारह। भाई कितनी अंदरूनी शक्ति है। सब गायब हो गई। ओ भाई इसने तो कुछ करा भी नहीं, इसने तो ध्यान भी नहीं दिया, ये कैसे हो गया? भाई सांस रुक गई, बच गया, बच गया भाई। ओ ये कौन है भाई? ये कौन था? ये कौन था भाई? भाई ये क्या कर रहा है? अच्छा चोरी कर रहा है भाई, चोरी कर रहा है, चोरी। भाई इसके पीछे ही तो है, इसे पता ही नहीं चल रहा है। फनी है। ओ भाई कितना फास्ट है भाई, बहुत फास्ट है, बहुत चोर, बहुत फास्ट है यार। ओ, ये क्या है? खंजर। अच्छा खंजर है। मान गया तुम्हारी चॉइस को, सलाम करता हूँ, पर मैं एक चोर को सलाम क्यों करूँ? चलो वापस करो। जैसा तुम कहो। ओ, ओ भाई, 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 क्या स्टाइल से पकड़ा है। आए। भाई छड़ी तो पकड़ नहीं पाया, लेकिन भाई वो उसे पकड़ लिया था। चलने वाली छड़ी है, तुम क्या करोगे? पीट पीट के मार डालोगे? ये छड़ी किसी को पीटने के लिए नहीं है, ये सूझबूझ की छड़ी है। अच्छा। ड्रैगन योद्धा भड़क जाएगा जब उसे पता चलेगा तुम्हारे पास उसकी छड़ी। अरे मैं ही तो ड्रैगन। भाई एक बात समझ लो, तुम बिना कुछ ड्रैगन जैसा है ना योद्धा जैसा। वो तो सभी बोलते हैं इसे। भाई ओ भाई 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 ओ भाई चाय है, ये क्या था? तेल था, तेल। कौन किसे अपवित्र कर रहा है? मास्टर ऑस्ट्रिच का अंडा। ओ भाई, ओ भाई बांध दिया इसे तो भाई। ये पकड़ो। ए भाई 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 बचा पाया कि नहीं बचा पाएगा? बचा लिया। ओ भाई एक दो भी तो गिर जाएंगे मुझे लग रहा है। ओ भाई एक भी नहीं गिरा। प्राचीन कलश जिसे मैं अब तक तोड़ चुका हूँ, दो बार। दो बार तोड़ दिया। चलो अब तीसरी बार तोड़ते हैं। ओ भाई बचा लिया, इसे भी बचा लिया। तुम ठीक तो हो ना? कोई भी बोल थके थके से लग रहे हैं। थके मेरी जूती भाई। हिंदी वर्जन बढ़िया है। चिपमंक का जंगी हथौड़ा। ओ ये तो भाई ऐसे ही टूट गया। इसे क्या हुआ भाई? ओ मर तो नहीं गया भाई? नहीं मरा। आत्मा है वो भाई। चीटर कहीं की? ये चीटिंग नहीं है, ये सिर्फ एक चाल है। फिर मिलेंगे पांडा। भाई 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 बड़ी तगड़ी फाइट थी। ये एंड है क्या इस फाइट का? ये भी और होगा। ओ अभी बाकी है। ओ ये बड़ा खतरनाक सीन है भाई। कहाँ जाओगे? दरवाजा बंद करने का। चल चल भाई। ओ भाई बड़ा खतरनाक था भाई ये चीज। ओ
ओ, ये क्या भाई? क्या कहा था? बांध दिया भाई। महान और शक्तिशाली डंपलिंग ड्रैगन योद्धा कहो। भाई बहुत तगड़ा पकड़ा भाई, बहुत तगड़ा पकड़ा भाई, मजा आ गया ये सीन देख के। पांडा ड्रैगन योद्धा कैसे बन गया? शांति घाटी की जेल में बैठ के ये रहस्य सुलझाना, क्योंकि तुम्हें यहाँ 2 साल की सजा काटनी है। 2 साल की सजा सुनने में तो कोई स्कूल लगता है। वैसे वीकेंड्स पर तो ये स्कूल ही होता है, साथ में जेल भी है। वीकेंड पे स्कूल है ये। डायलॉग लौट आया, डायलॉग लौट आया भाई। लोहा लिया और खदान तबाह कर गया। न्यूज़ मिल गई इसको कि डायलॉग आ गया। नहीं रुकेगा जब तक शांति की घाटी पर उसका कब्जा नहीं होता और ड्रैगन योद्धा उसके आगे घुटने नहीं टेकता। भाई ड्रैगन योद्धा तो भाई पांडा है। प्लीज वो डायलॉग ही था और वो झुकेगा नहीं झुकेगा। जानते हो ना बुजुर्ग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हर कदम एक निशान पीछे छोड़ जाता है। अच्छा भले ही वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। अब क्या करेगा भाई पांडा? ओ ये कहाँ जा रहा है भाई पांडा? ये तो कहाँ जा रहा है? कुछ ढूंढने जा रहा है क्या भाई? ये कहाँ चला गया? वो भी इतनी बर्फ वाली जगह पे भाई, ठंडा ठंडा। हर कदम पीछे निशान छोड़ जाता है, भले ही कितना छोटा क्यों ना हो। उसकी बातें याद आ रही है भाई, उससे मिलने ही गया लगता है। उससे मिलने आया है। शायद नहीं पता। हाँ पता है मुझे, सच्ची मुच्ची पता है। बताओ और वो क्यों भला? मतलब उससे वो क्यों बताएगा भाई? सोचकर कि तुमने कुछ अच्छा किया। कितने प्यार, उसे जेल में डाल दिया तूने। किसी ने ये कहा है? मेरा मतलब तुम्हारी गले बोले आने को। मेरे पास टाइम पास का वक्त नहीं है। डायलॉग शांति की घाटी में खुला घूम रहा है। शायद वो चाहती है कि तुम सोचो कि वो डायलॉग है। रुको। हाँ मेरा हुआ। भेष बदलने में माहिर वो कोई भी रूप कोई भी आकार ले सकती है। ओ भाई 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 ये क्या है? भगवान झूठ की महारानी जिसकी चमकदार आंखें सबको मदहोश कर देती है। मैं बात कर रही हूँ उसके। किसकी? यानी कमीलियन के। कमीलियन ये कौन है? क्या हम थोड़ी देर भाई में बात सिपाही है ये तो सिपाही है। ये कैमिलियन कौन है? सबसे आकार बदलने वाली जादूगर, यानी उसने जादूगर। अच्छा जादूगर है भाई जो टैलेंट बन गई है। पर उसका मुझसे और शांति की घाटी से क्या पंगा है? सवाल में दम है, उसी से पूछ लेना। सही कहा। वैसे मुझे कहाँ मिलेगी ये कमीलियन? वो कोई ऐसी नहीं जो आराम से मिल जाए। उसे वही ढूंढ सकता है जिसे उसकी मालूमात हो। वो कहाँ मिलेगा जिससे उसकी मालूमात हो? वो मैं हूँ। समझने की बात है, मैं हूँ वो मालूमात वाली। भूल जाओ, मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। गुड लक। वैसे भी किसी ऐसे को ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है जो किसी की भी तरह दिख सकती है और कहीं भी ढल सकती है। किसी तरह भी रूप बदल सकती है। तुम मुझे कमीडियन के पास लेकर जाओ और मैं देखता हूँ तुम्हारी सजा कम करने के लिए क्या कर सकता हूँ। सौदा। ये क्या पागलपन कर रहे हो? एक आकार बदलने वाली जादूगरनी खुले आम घूम रही है। मास्टर आ गया है। पर वो यहाँ नहीं है और किसी को तो शांति की घाटी को बचाना होगा ना। मानता हूँ तुम्हारे लिए बदलाव मुश्किल है और तुम्हें ड्रैगन योद्धा होना अच्छा लगता है, पर तुम्हारा काम अपने लिए वारिस ढूंढना है। ड्रैगन योद्धा और मेरे बीच एक सौदा हुआ है, काम से काम रखो। ये जान के मेरा दिल भर आया। ये तुम्हारा फैसला है। तुम शायद जानते हो कि मास्टर उगवे क्या चाहते हैं कि तुम क्या चुनो। क्या करेगा भाई ये पांडा? थैंक्स फ्री में रहने के। छुड़ा दिया इसे। लेकिन जेल के लिए फंसते हैं। तुम नहीं जा सकते। भाई इसको लेकर वापस नहीं हुआ। कैमिली नाम भाई सिपाही। वापस ड्रैगन योद्धा का आखिरी मिशन समझिए। मैं जल्दी लौट आऊंगा। आपकी आवाज मम्मी को सुनाई नहीं दे रही भाई। ये तो बचपन में करते थे मम्मी के साथ। आजादी का अपना अलग ही मजा है यार। ये पीठ को जाने के लिए अच्छा है। तो क्या ये वाकई रूह की दुनिया को खोल सकता है? ये ऐसे काम नहीं करता। इसे अपनी शक्तियाँ दिखाने के लिए हुक्म देना पड़ता है। अच्छा दोगे तो पाओगे। तो क्या मैं इसे रख सकती हूँ? तुम्हें शक्ल से मैं क्या दिखता हूँ? आसान बकरा मतलब? जिससे कुछ भी चुराना आसान हो। उनका दिल बड़ा होता है और वो जल्दी भरोसा कर लेते हैं तुम्हारी तरह। मैंने सुना है कि कमीलियन एक शैतान है जिसकी भूख हजारों शिकारियों जितनी है और उसका मनपसंद खाना है पांडा। पांडा कमीलियन में जादुई शक्तियां हैं। उसका नाम 3 बार लेने पर वो तुम्हें रात को उठा कर ले जाए। भाई कमीलियन
खुद को बदल के किसी का भी रूप ले सकती है, तुम्हारा भी या तुम्हारा भाई किसी का भी भाई। मिस्टर ली, क्या ये सच है? वो एक शैतानी जादूगरनी का सामना करने वाला है। यानी या कमेलियन? ड्रैगन योद्धा का काम कभी खत्म नहीं होता। ली, पो का एक अपराधी लोमड़ी के साथ हाथ मिलाकर शैतानी जादूगरनी से मुकाबला करने का प्लान मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। भाई फैमिली घबरा रही है इसकी। बुखार जीव और न जाने किस किस का, हमेशा जीत उसी की होती है। सही कहा, सही कहा, पर तुम गलत हुए तो। शांत रहो पिंग, वैसे भी एक शैतानी जादूगरनी कितनी खतरनाक होगी। कितनी खतरनाक होगी भाई, वो कौन वो तो देखने के बाद ही पता चलेगी कितनी खतरनाक होने वाली है। हम जूनीपर शहर के सबसे ताकतवर आपराधिक परिवारों के मुखिया हैं। और वो तो बस एक विदेशी सत्ता की भूखी घटिया छिपकली है। शैतानी जादूगरनी कहना भूल गए। इस शहर को हम चलाते थे, अब अपना कमाया माल उसके हवाले कर देते हैं। लगता है एक अपराधी शराफत से पैसे नहीं कमा सकता। अपराधी उसे हरा सकते हैं, शरीर से पैसे नहीं कमा सकता। भाई क्या डायलॉग है, अभी भी खतरनाक। और हमें पता तक न चल पाए। मतलब हो सकता है तुम कमीलियन हो। तुम भाई किसी का भी रूप ले सकते हैं ना ये कमीलियन। ओह नहीं, शायद ऐसा मत। मैं कमीलियन हूँ। भाई देख रहे हो भाई कैसे रूप बदल रही है। हमने जो भी कहा मजाक में कहा। अब इसे मार देगी भाई इन लोगों को। माफी मत मांगो, तुम और तुम्हारे परिवार ने तरक्की हासिल की कमजोरों को दबाकर। भाई ऐसे रूप बदल सकती है भाई, बहुत तगड़ा रूप बदली है, कोई पता ही नहीं लगेगा। जब तुम लोगों को दबाने वाली एक विदेशी सत्ता की भूखी और क्या कहा था तुमने, घटिया छिपकली। वैसे बड़ी छिपकली को लगी है बड़ी भूख। पहले से तुम्हारे पास है, अब और भला तुम्हें क्या चाहिए। मैं कुछ अलग सोच रही हूँ और उसे पाने की बेहद करीब हूँ, और ये होगा चंद्र ग्रहण में। पर भाई दो दिन बाद है। वक्त बहुत कम है और खर्चे बहुत ज्यादा, इसलिए मैं इस महीने की सौगात बढ़ा रही हूँ सिर्फ 60% और। नहीं अब भाई से का क्या हाल होगा। कुछ कहा क्या तुमने? भाई इसकी आंखें देखी कैसे भाई, एक इधर से ऐसे हुई। फिक्र मत करो, पहले इसका मुंह हुआ फिर उसकी आंखें हुई। बहुत तगड़ा है भाई ये विलन। और धोखा देने और ऊपर से मेरी बेइज्जती करने के लिए तुम्हें माफ करती हूँ, पर मैं कभी नहीं भूलूंगी। जानते हो मेरी याददाश्त कैसी है? कुछ मत कहना। एक हाथी जैसी। हो भाई भाई हाथी बन जाएगी अब। ओ भाई ये तो हाथी बन गई भाई। भाई अब इसे मार देगी मुझे लग रहा है। भाई मार देगी। तुम्हें लगता है मैंने कोई जुल्म कर दिया तो याद रहे तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना बुरा कर सकती हूँ तुम्हारा हाल। भाई 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 दोपहर तक आनी चाहिए। बहुत तगड़ा रूप बदल रही है भाई, मजा आ गया देख के। तो यही गाइस यहाँ तक ही था मेरा ये सीरीज का, मैंने यहाँ तक ही रिएक्शन देना था। देखते गाइस अगर मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अगर आपको रिएक्शन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना।